हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लैब वाला। आज हम लोग स्क्रू गेज का जीरो एरर निकालना सीखेंगे। स्क्रू गेज के ज़ीरो एरर को समझने के लिए आइए एक नज़र पहले इसके स्केल पर हम डालते हैं। इसको जूम करके देखने पे आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ ग्रेजुएशन। इसी के ऊपर आप देखिए एक स्केल बना हुआ है 0, 5, 10। ये लीनियर स्केल है या इसको पिच स्केल बोलते हैं या मेन स्केल भी बोलते हैं। ये मिलीमीटर में होता है और इसके आसपास जो ये रोटेट हो रहा है ये देखिए इसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं। और इसका एक सर्कल 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जब इसको हम रोटेट करते हैं तो हमारा स्क्रू आगे की तरफ घूमता है। ये देखिए ये इस रोटेट होके पीछे जा रहा है और जब क्लॉकवाइज हम रोटेट करते हैं तो ये आगे जा रहा है और इसका स्क्रू बंद होता जा रहा है। स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर चेक करने के लिए इस तरीके से स्क्रू गेज को घुमाते हुए बंद करिए और जैसे ही ये क्लिक की आवाज़ आए आप रोक दीजिए और उसके बाद में इसके स्केल को देखिए। चलिए हम जूम करके स्केल को देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो लाइन ऑफ ग्रेजुएशन है वो सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है उसके मार्क के बिल्कुल सामने है, यानी कि वो दोनों आपस में बिल्कुल मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये बिल्कुल एरर फ्री है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। लेकिन 99% केसेस में आपको इस तरीके का एरर फ्री इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा। आइए दूसरा केस देखते हैं। स्क्रू गेज को बंद कीजिए और क्लिक की आवाज़ आने पे इसको रोक दीजिए और इसके बाद में अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में लाइन ऑफ ग्रेजुएशन को आप देखिए और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो अगर लाइन ऑफ ग्रेजुएशन को क्रॉस कर जाता है यानी उसके ऊपर चला जाता है तो ऐसी स्थिति में इसमें निगेटिव ज़ीरो एरर है। और अब आप ज़ीरो लाइन ऑफ ग्रेजुएशन और सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो का मार्क है उसके बीच में देख लीजिए कितना गैप है। यहाँ 5 डिवीजन्स का गैप है। तो हम यहाँ पे ज़ीरो एरर को इस तरीके से अपनी रीडिंग के साथ में लिखेंगे। इफ़ ज़ीरो इज़ अबव द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन देन इट इज़ नेगेटिव ज़ीरो एरर। और ज़ीरो एरर यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव है तो माइनस का साइन और कितने डिवीज़न है 5 × लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा -0.05 मिलीमीटर, हमारा ज़ीरो एरर हो गया। अगर आपकी कोई रीडिंग मान लीजिए आ रही है 0.46 मिलीमीटर तो इसमें जो एरर अपना है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें से माइनस ज़ीरो एरर हो जाएगा। तो 0.046 - 0.005 तो ये हो जाएगा 0.46 + 0.05 दैट इज़ 0.51 मिलीमीटर। इस तरीके से एक और कंडीशन बनती है। आप बंद कीजिए और अब देखिए अगर लाइन ऑफ ग्रेजुएशन के नीचे है हमारा ज़ीरो मार्क सर्कुलर स्केल का। यहाँ देखिए लाइन ऑफ ग्रेजुएशन से नीचे है सर्कुलर मार्क सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मार्क। तो यहाँ पे पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। तो यहाँ पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो आप डिफरेंस देख लीजिए कितना गैप है दोनों के बीच में। यहाँ 3 पॉइंट्स का गैप है। तो यहाँ पे जो ज़ीरो एरर हम इस तरीके से निकालेंगे और उसे अपने रीडिंग के साथ अप्लाई करेंगे। अगर बिलो द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन है तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर। यहाँ जो ज़ीरो एरर होगा वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो प्लस का साइन और 3 डिवीज़न है तो 3 × लीस्ट काउंट 0.01। तो ये हो जाएगा 0.03 मिलीमीटर हमारा ज़ीरो एरर हो गया जो कि पॉजिटिव में है। तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, जैसे किसी वायर का डायमीटर हम निकाल रहे हैं वो हमारा आया 0.54 मिलीमीटर। तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ज़ीरो एरर जो कि हमारा है पॉजिटिव 0.03 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा 0.54 - 0.03, वो हो गया 0.51 मिलीमीटर। इस तरीके से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
वीडियो में कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं आने वाले वीडियोस में उनके आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, जितना आपका सब्सक्रिप्शन बढ़ता है उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।